गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर फॉर बिहार एसआई मेंस, बिहार एसएससी मेंस एवं बिहार ईएसआई प्री। आज हम इसमें 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शेर ए पंजाब के नाम इनमें से कौन मशहूर थे? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो इनका जन्म 1865 ईस्वी में लुधियाना में हुई थी। और इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1928 ईस्वी में इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध करते समय इन पर लाठीचार्ज हुआ जिससे कि गहरी चोट हुई एवं इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर, गांधी इरविन समझौता हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1931। 17 फरवरी 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में, गांधी इरविन समझौते में, कांग्रेस के तरफ से गांधी जी थे जबकि सरकार के तरफ से इरविन था, इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक की घटना कहकर संबोधित किया है। आगे दे, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1931 बी नंबर। आगे देखेंगे थर्ड नंबर, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे देखेंगे, अभिनय भारत से कौन संबंधित थे? बी डी सावरकर, सी आर दास, बी जी तिलक, एस सी बोस। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बी डी सावरकर। अभिनय भारत एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना बी डी सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। इसके प्रमुख सदस्य थे गणेश सावरकर एवं बी डी सावरकर। आगे देखते हैं 5 नंबर, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हेलोफाइट। सी नंबर, हेलोफाइट। जीरोफाइट वैसे जगह को कहते हैं मरुस्थली क्षेत्र में उगने वाले पौधे को कहते हैं जीरोफाइट, एवं जल में उगने वाले पौधे को कहते हैं जलोद्भिद। 6 नंबर देखेंगे, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, जैविक घटकों से? उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण बनने के लिए ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? इसका सही आंसर होगा जाइलम ऊतक, यानी जाइलम टिश्यू। जनरली जाइलम ऊतक होता है, इसका कार्य ही होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। इसलिए पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू। आगे देखेंगे 8 नंबर, खनिज क्या है? द्रव, अकार्बनिक ठोस, गैस? उपयुक्त सभी। इसमें से सभी आंसर होगा खनिज, द्रव, अकार्बनिक ठोस एवं गैस, तीनों है। 9 नंबर, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमरात को किसने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, आसफ दौला। 10 नंबर देखेंगे, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 था। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जैसे कि भारत में पहली बार डाक टिकट का शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। लॉर्ड डलहौजी ही भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की थी।
लॉर्ड से थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इनका शासन काल है 1828 से 35। यह भारत के पहला गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे देखेंगे 11 नंबर, 1855-56 में संथाल विद्रोह किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु एवं कान्हू। संथाल विद्रोह का प्रमुख रूप से प्रभाव वाले क्षेत्र थे बिहार के भागलपुर से राजमहल तक, राजमहल झारखंड में है, इसलिए सही आंसर इसका होगा ए नंबर, सिंधु एवं कान्हू। आगे देखेंगे 12 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन, बी नंबर। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 था। लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने विशेषकर वैसा राष्ट्रवादी समाचार पत्र प्रतिबंध लगाया था जो विशेषकर राष्ट्रवादी था, जैसे कि सोम प्रकाश। इन्होंने सोम प्रकाश पत्रिका पे कठोर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड लिट्टन की बात करें तो इनका कार्यकाल 1880 से 84 ईस्वी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा भी दी है। आगे देखेंगे 13 नंबर, मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं स्थित है, इसका सही आंसर होगा राजगिरी पहाड़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण करवाया था अकबर, औरंगजेब, शेरशाह, बाबर। सी नंबर, शेरशाह ने ही बिहार में रोहतास के किले का निर्माण कराया था। इनका कार्यकाल 1540 से 45 था। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने ही पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 था। बाबर का कार्यकाल 1526 से 30 था। औरंगजेब का कार्यकाल 1708 से 1707 था। जजिया कर को अकबर ने हटाया था जबकि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। आगे देखेंगे 15 नंबर, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोड़ती है, इसका सही आंसर होगा ए नंबर, मास्को को व्लादिवोस्तोक से। नेक्स्ट देखेंगे, लॉन्स की खाड़ी स्थित है जर्मनी में, फ्रांस में, पोलैंड में, रूस में, इसका सही आंसर होगा फ्रांस में। 17 नंबर, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है, पोर्ट ऑफ प्रिंस का संबंध हैती से है। 18 नंबर, गहरी सागरीय भाग समाहित करता है, इसका सही आंसर होगा ऊर्जा को। आगे देखेंगे 19 नंबर, तत्बोधिनी समाज की स्थापना किसने किया की? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्बोधिनी समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश पत्रिका है जिसका संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। आगे देखेंगे, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किए थे। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर, जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर होगा बड़ोदरा, जो कि गुजरात में है।
22 नंबर, बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक थे, जबकि बंगाल गजट के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। गंगाधर भट्टाचार्य। आगे देखेंगे, लॉर्ड माउंट बेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? जेल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल गफार खा, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। लॉर्ड माउंट बेटन का कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक था। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय थे। आगे देखेंगे 24 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकारें कहाँ बनी थी? इसका सही आंसर होगा बलिया, जो कि यूपी में है। चीतू पांडे के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में भारत में पहली बार समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो यह जनवरी 1933 में ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जनवरी 1933। 26 नंबर, 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताएं। तो इसमें से सही हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण एवं गुलाबी सोनार। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। आगे देखेंगे, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था सुशील मोदी द्वारा। सबसे पहली बार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। 28 नंबर, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू की गई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई थे। आगे देखेंगे 29 नंबर, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? भारत में योजना अवकाश की अवधि कब थी? 1966 to 69। 1966 में भारत सरकार द्वारा रुपयों का अवमूल्यन किया गया था ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं आ पाया था, जिसके कारण की चौथी पंचवर्षीय योजना को नहीं लाया गया एवं इसके जगह पे 3 वर्षीय योजना लाया गया, जो कि 1966 to 69 है, और इसे ही योजना अवकाश कहा गया। योजना अवकाश के दौरान ही हरित क्रांति का भी प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं 30 नंबर, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक आर्थिक वृद्धि। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1951 to 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 to 61, 5 ईयर का होते हैं, एवं तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 to 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1974 to 79। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था एवं काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। आगे देखेंगे 31 नंबर, संशोधित मूल वर्धित कर का संबंध है, यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध है बिक्री कर से। 32 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे समुद्र में एक प्रभाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। यह प्रभाल भित्ति का निर्माण मुख्य रूप से अत्यंत
प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के जमाव के कारण हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ लगभग 1900 किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र में स्थित है। आगे देखेंगे 33 नंबर, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में पहली बार की गई थी एवं दूसरी बार मैत्री की स्थापना 1989 ईस्वी में अंटार्कटिका में की गई है। आगे देखेंगे 34 नंबर, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की बहने वाली नदी है। आयतन के हिसाब से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से यह दूसरी नदी है। लंबाई के अनुसार नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो कि अफ्रीका में बहती है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी मुख्यतः अमेरिका में बहने वाली नदी है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखेंगे 35 नंबर, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने चैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। 1919, 1917, 1921, 1896। तो इसका सही आंसर होगा 1917 ईस्वी। एमी चैंडलर विश्व आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? एमी चैंडलर। 1919 ईस्वी में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे 36 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। इसका सही आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। आगे देखेंगे 37 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे देखेंगे 38 नंबर, रडार का आविष्कारक कौन था। इसका सही आंसर होगा वॉटसन, रॉबर्ट वॉटसन। रडार का फुल फॉर्म देखें तो रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। वॉटसन ने 1919 ईस्वी में रडार की स्थापना की थी। आगे देखेंगे 39 नंबर, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। 1970 ईस्वी में हैदराबाद में भारत में डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था मिसाइल के उत्पादन में टेक्नोलॉजी को विकसित करना। इसलिए इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। आगे देखेंगे 40 नंबर, निम्न में से किस विटामिन में क्वाल्ट होता है। तो इसका सही होगा आंसर विटामिन B12। विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन एवं विटामिन B6 की रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। आगे देखेंगे 41 नंबर, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी वजन 1.5 to 2 kg होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत से ही होता है। आगे देखेंगे 42 नंबर, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने ही बालिका विद्यालय की स्थापना की थी पहली बार। आगे देखेंगे 43 नंबर, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो इसका सही आंसर होगा 1926 से 1939। 1920 ईस्वी में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे।
1926 ईस्वी में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जबकि 1937 ईस्वी में भारतीय सरकार प्रांतीय सरकार की गठन हुआ 1937 ईस्वी में प्रांतीय सरकार की गठन हुआ था, जिसके बाद मजदूर आंदोलन काफी सक्रिय हो गया। इसलिए इसका अवधि होगा 1926 से 1939। आगे देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी, 1875 ईस्वी में बंबई में की गई थी। आगे देखेंगे 45 नंबर, अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, जो कि गुप्तकारी संगठन था, इसलिए इसका सही आंसर होगा एक क्रांतिकारी संगठन था। आगे देखेंगे 46 नंबर, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना। इसलिए इसका सही आंसर बी नंबर होगा। आगे देखेंगे 47 नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध है बारन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का यानी कि घेरे की नीति के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका अवधि है 1765 से 1813। इस नीति के तहत बारन हेस्टिंग एवं लॉर्ड ब्लेजली ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य यानी वफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा बारन हेस्टिंग, लॉर्ड ब्लेजली तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए बारन हेस्टिंग। आगे देखेंगे 48 नंबर, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायत के चुनाव कराने में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। आगे देखेंगे 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था, इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था 1976 ईस्वी में। इसके तहत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद एवं अखंडता जोड़ा गया था, जबकि भाग चार के एक भी जोड़ा गया इसी के तहत, भाग चार के ए में जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के उदारीकरण 1991-92 के टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, जबकि उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इन्हीं के समय में भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जिसके कारण आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।